कॉमर्स कॉलेज के बाहर जोधपुर में हुए प्रकरण को लेकर एबीवीपी द्वारा किए गए प्रदर्शन पर एनएसयूआई ने भी अपनी तिखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हिमांशु पवार ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा की तरह ऐसे प्रदर्शन करती है व आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जोधपुर यूनिवर्सिटी में गैंगरेप करने वाले सभी आरोपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थक थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस तरह के प्रदर्शन कर इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने नाबालिग बेटी के साथ हुई गैंगरेप की घटना का पुरजोर विरोध करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सजा दिलवाने की मांग की है। आपको बता दें कि जोधपुर में हुए इस मामले में पुलिस ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व जिला संयोजक को गिरफ्तार किया है। ऐसे में आज एबीवीपी ने प्रदर्शन करते हुए यह मांग की है कि इस तरीके से संगठन को बदनाम करने के लिए किसी को भी एबीवीपी का कार्यकर्ता नहीं बताए। इसी को लेकर एनएसयूआई ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इन साथियों राम राम। ये जो इनका ड्रामा की जो गुटकी है वो राष्ट्रीय स्तर से इनको मिलती जा रही है। रेप भी इनके कार्यकर्ता करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया जाता है। जिस तरीके से उदयपुर के इनके नेता श्री गुलाबचंद कटारिया जी ने जो कन्हैयालाल के हत्यारों को जो मान सम्मान दिया, जो मेंबरशिप दी, उसके बाद भी इनका यही ड्रामा था और अभी भी इनका यही ड्रामा है। और इस तरीके के हमेशा हम इस तरीके के सम्मान में ही रहते और हम जितना आदर महिलाओं का सम्मान जितना एनएसयूआई करती है उतना ये कभी सोच भी नहीं सकते। पहले तो ये खुद बलात्कार करते हैं इनके कार्यकर्ता, फिर इस तरीके की छवि दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कार्यकर्ता इनका था नहीं। ये आज से नहीं, ये कब से चला आ रहा है और एनएसयूआई का हर कार्यकर्ता इसका विरोध करता है। और ये चीज़ तो आप ये सोचे कि ये तो अभी उत्पन्न हुई है, सामने इनका एक किस्सा आया है, ऐसे कई इनके किस्से जो अभी भी दबे हुए हैं। मैं उन सभी महिलाओं से, उन सभी कार्यकर्ताओं से, मेरी बहनों से निवेदन करूंगा कि हमारे साथ आके खड़ी रहे। उनके ऊपर जो भी बीती है, जिस तरीके से इनका शोषण हुआ है वो हमें बताए, हम ये लड़ाई अंत तक लड़ेंगे और इनके गुनहगारों को इनको सजा दिलाएंगे। वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।